सो हे गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नई वीडियो में। तो पोकेमोन एनिमे में हमें काफी सारी पोकीगर्ल्स दिखाई गई है एंड ऑलमोस्ट हर एक पोकीगर्ल को ऐश के ऊपर क्रश है और ये हमें काफी अच्छी तरीके से पता है। बट अभी तक हमें ये नहीं पता कि क्या ऐश को किसी पोकीगर्ल के ऊपर क्रश है और इन सारे पोकीगर्ल्स में ऐश की ट्रू लव कौन है जिसके साथ ऐश अपनी जर्नी एंड करेगा। तो हाँ, आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं एंड देखेंगे कि ऐश के लिए कौन सी पोकीगर्ल बेस्ट है। और हाँ, साथ में ये वीडियो आई एम पोकेटीवर के साथ एक कोलैब वीडियो भी होने वाला है। तो हाँ, डेफिनेटली आपको वीडियो में काफी मजा आएगा। तो गाइस, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं होइन पोकीगर्ल यानी कि मे के साथ। वेल, मे और ऐश के काफी सारे सीन्स हमें पोकेमोन एनिमे में देखने को मिले थे। जैसे कि एक बार उनको एक कपल दिखता है जो कि बोलता है कि तुम दोनों एक काफी अच्छे कपल हो सकते हो, बट ऑफ कोर्स वो दोनों इस बात से डिसएग्री कर देते हैं एंड हमें और भी काफी सारे सीन्स देखने को मिले थे। इवन काफी लोगों का ये भी कहना है कि ऐश और मे की किस भी हुई थी बट उस एपिसोड को बैन कर दिया गया था, बट ये टोटली फेक है। मैंने उसके ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो भी बनाई है जो कि आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो। बट अगर आप लोगों ने पूरा होइन रीजन ध्यान से देखा है तो आपको पता होगा कि मैं ऐश से ज्यादा ड्रू को पसंद करती थी और ऐश और मे से कहीं ज्यादा सीन्स हमें मे और ड्रू के दिखाए गए थे और मैं काफी बार ड्रू को देखकर ब्लश भी करती थी। तो हाँ, डेफिनेटली मे को ऐश से ज्यादा ड्रू पसंद था एंड इसीलिए मैं ऐश की ट्रू लव नहीं हो सकती। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पोकीगर्ल की जो की है डॉन। तो डॉन ने भी काफी बार ये प्रूफ किया है कि वो ऐश को लाइक करती है। जैसे कि लायरा एक बार डॉन से पूछती है कि क्या ऐश तुम्हारा बॉयफ्रेंड है और फिर आप लोग डॉन का रिएक्शन इस वाले क्लिप में देख सकते हो। तो हाँ, इससे पता चलता है कि डॉन ऐश को लाइक करती थी, बट जैसे मे के लिए ड्रू था वैसे ही डॉन के लिए कैनी था और हमको लगा फिर से वही सेम स्टोरी लाइन रिपीट होने वाली है। बट नहीं, ऐसा नहीं होता। एक बार कैनी डॉन से पूछता है क्या तुम अपनी जर्नी मेरे साथ कंटिन्यू करना चाहोगी और कैनी डॉन का बचपन का फ्रेंड भी है, बट फिर भी डॉन उसको मना कर देती है एंड वो बोलती है कि मुझे ऐश को सिनो लीग में सपोर्ट करना है, जिस वजह से वो कैनी के साथ नहीं जाती। तो हाँ, डॉन और ऐश के काफी सारे मूवमेंट्स थे बट बाकी पोकीगर्ल से कंपेयर करें तो इनके उतने ज्यादा मूवमेंट्स नहीं थे। तो हाँ, डॉन ऐश को हमेशा एक फ्रेंड की तरह सपोर्ट करती थी एंड मुझे नहीं लगता कि ये दोनों अपनी जर्नी एक साथ एंड करेंगे। अब नेक्स्ट है यूनोवा पोकीगर्ल यानी कि आयरिस। अब आयरिस मिस्टी के तरह थी बट उसको ऐश पे क्रश नहीं था और हमें कोई भी ऐसा मूवमेंट देखने को नहीं मिला जिससे ये प्रूफ होता हो कि आयरिस ऐश को लाइक करती थी। तो हाँ, इसके कोई भी चांस नहीं है। अब बात कर लेते हैं अलोला पोकीगर्ल्स की यानी कि लिली, मैलो और लाना की। स्टार्ट करते हैं मिस्टी के साथ में। अब यार, मिस्टी और ऐश की जो जोड़ी है ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। काफ़ी लोगों को भाई मिस्टी और ऐश का जो कपल है ये बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अब यार देखा जाए ना तो एनिमे के अंदर ऐसे बहुत सारे मोमेंट आए हैं जहाँ पे हम लोगों ने ये चीज़ तो भाई देखी है कि हाँ, मिस्टी तो बहुत ज़्यादा पसंद करती है ऐश को। तो उन्हीं कुछ मोमेंट्स के बारे में बात करते हैं। अब यार एनिमे जब नया नया स्टार्ट हुआ था तब तो मिस्टी काफ़ी ज़्यादा रूड बिहेव करती थी ऐश के साथ में। तब तो मुझे नहीं लगता मिस्टी बिल्कुल पसंद करती थी ऐश को, लेकिन जैसे जैसे एनिमे आगे बढ़ा, मिस्टी ट्रैवल करने लग गई ऐश के साथ में, तब धीरे धीरे करके वो पसंद करने लग गई ऐश को। एक एपिसोड में जब ऐश काफ़ी बीमार हो गया था तब सबको याद होगा मिस्टी ने उसकी कितनी ज़्यादा सेवा करी थी, उसको भाई वापस से ठीक किया था। इसके अलावा काफ़ी एपिसोड्स में हम लोगों ने ये चीज़ नोटिस करी है कि जब भी कोई और लड़की भाई ऐश को पसंद करती है, वो उससे कुछ बोल रही होती है, तब भाई मिस्टी को बहुत ज़्यादा जेलेसी होती है। जैसे कि जोटो लीग में एक लड़की थी, वो ऐश को काफ़ी लाइक करती थी, तो यार उसमें हमने देखा था कि मिस्टी को काफ़ी जलन हो रही थी उससे। इसके अलावा सब लोग को वो लूगिया वाली मूवी याद ही होगी, वो लूगिया वाली मूवी में भी जो लड़की थी वो ऐश को काफ़ी पसंद करती थी और तब भी हमने देखा था कि मिस्टी को बहुत ज़्यादा जलन हो रही थी उससे। इसके अलावा हमने लूगिया वाली मूवी के अंदर भी देखा था जब ऐश पानी में गिर के डूब रहा होता है और वो मरने वाला होता है, तब यार मिस्टी रहती है जो कि अपनी जान की फिक्र भी नहीं करती और उसको सीधा बचाने के लिए चली जाती है, जिससे हम समझ सकते हैं हाँ भाई मिस्टी काफ़ी ज़्यादा प्यार करती है ऐश से। इसके अलावा जोटो का एक बहुत मेन एपिसोड था जहाँ पे यार ऐश, मिस्टी और ब्रॉक तीनों ही अलग हो रहे होते हैं फाइनली, क्योंकि अब जोटो लीग भी खत्म हो गई थी और यहाँ पे मिस्टी की जो साइकिल है वो भी ठीक हो गई थी। तो ऐश उसको काफ़ी खुशी से बोलता है कि अब तुम्हारी साइकिल ठीक हो गई है, तुम तो काफ़ी खुश होगी, जबकि मिस्टी बिल्कुल भी यहाँ पे हमने देखा था खुश नहीं थी, क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि वो ऐश को छोड़ के जाए यहाँ से। वो अपने सिरोलिन सिटी नहीं जाना चाहती थी, वो ऐश के साथ ही और भी आगे रीजन ट्रैवल करना चाहती थी, इसीलिए हमने देखा था वो बहुत ज़्यादा दुखी रहती है उस एपिसोड के अंदर। और यार वो गिफ्ट भी देती है ऐश को। और यार एक सबसे बड़ा मोमेंट जहाँ पे लिटरली मिस्टी ऐसा बोल देती है एक एपिसोड के सीन में कि ऐश तुम्हारी और मेरी भी एक दिन ऐसे ही शादी हो जाएगी, और भाई ये सुन के ऐश बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और मिस्टी खुद भी बहुत शॉक हो जाती है कि उसने क्या बोल दिया है। और भाई इससे तो बिल्कुल कन्फर्म हो जाता है कि मिस्टी बहुत ज़्यादा प्यार करती है ऐश से और वो बड़े होकर उससे शादी भी करना चाहती है। तो हाँ, अब ये तो भाई हिंट थी मिस्टी की तरफ से, लेकिन अब देखते हैं कि ऐश ने कभी कुछ ऐसा हमको दिखाया है, भाई कुछ ना कुछ हिंट दी है।
अब यार लुगिया वाली मूवी सब लोगों ने देखी होगी, उस मूवी के एक सीन से हमको ये कंफर्म होता है कि भाई ऐश को खुद भी ये पता है कि मिस्टी उसको काफी पसंद करती है, क्योंकि भाई उस मूवी में वो जो लड़की थी जो कि ऐश को काफी पसंद करती थी तो उससे मिस्टी काफी ज्यादा जेलस होती है और ये चीज ऐश को दिख रही थी और ऐश इसीलिए भाई काफी ज्यादा चिढ़ाने लगता है उसको मिस्टी के सामने। वो बार बार उस लड़की का नाम ले रहा होता है और बोलता है कि अरे वो कहाँ चली गई, तो मतलब भाई वो ऐश खुद मतलब पर्पसली भाई उसको जलाने का ट्राई कर रहा था, तो इसका मतलब तो यही हो सकता है कि भाई ऐश को खुद भी ये पता है कि मिस्टी उसको काफी पसंद करती है। इसके अलावा सबको पता होगा मिस्टी के जैसा दिखने वाला उसके पास एक फिश पकड़ने का चारा था जो कि उसने ऐश को गिफ्ट दिया था, और हमने सिनो के एपिसोड में देखा था कि ऐश ने अब तक उसको संभाल के रखा हुआ है और जब डॉन उससे देखने के लिए मांगती है तो भाई ऐश उससे लड़ने लग जाता है लेकिन उसको देता नहीं है, तो भाई मान सकते हैं कि ये गिफ्ट कितना ज़्यादा स्पेशल है ऐश के लिए। इसके अलावा एक लास्ट शायद से डिओक्सिस वाली मूवी थी, वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि वो मिस्टी को अपने एक स्पेशल फ्रेंड की तरह रेफर करता है, ऐसा कुछ तो था। तो हाँ ऐश की तरफ से भी ऐसे छोटे मोटे हिंट देखने मिले हैं, अब ये तुम लोग डिसाइड करो कि भाई हाँ ये सच है कि नहीं है। अब आता है भाई सबसे मेन पार्ट, क्या तुमको पता है पोकेमॉन की जो फर्स्ट मूवी थी पहले वो बिल्कुल अलग होने वाली थी। पहले यार उसमें हमको ऐश और मिस्टी भी दिखाए गए थे लेकिन वो बड़े हो चुके थे उस मूवी में, और यहाँ तक कि उनकी शादी भी हो गई थी और उनकी बेटी भी हमको देखने मिली थी। इस मूवी का जो ओरिजिनल ट्रेलर होने वाला था ना वो रिवील हुआ था, बाद में जाके वो लीक हो गया था, तब हमको ये चीज़ पता चली कि भाई एक्चुअली में भाई मिस्टी और ऐश की ओरिजिनली शादी होने वाली थी, पोकेमॉन राइटर्स करवाने वाले थे, लेकिन बाद में क्योंकि पोकेमॉन इतना चलने लगा तो उन्होंने डिसाइड किया कि भाई वो इस स्टोरी को हटा देंगे, फिर पोकेमॉन को कंटिन्यू रहने देंगे, वरना यार ओरिजिनली मिस्टी और ऐश की एक्चुअली में शादी करवा दी थी पोकेमॉन वालों ने, हम समझ सकते हैं। बात करें अलोलन पोके गर्ल्स की तो यहाँ पे तीन पोके गर्ल्स थी, लिली, मेलो और लाना। अब यार लाना तो भाई एक ही मोमेंट हमको ऐसा देखने मिला था जहाँ पे जो लाना की छोटी बहन है वो उसको भाई टीज करती है, वो ऐश को उसका बॉयफ्रेंड समझ लेती है, लेकिन हाँ फिर भी ऐसा कुछ नहीं था भाई उनके बीच और ना ही लिली और मेलो के साथ ऐसा कुछ भी था। मान सकते हैं भाई अलोलन वाली जो भी पोके गर्ल्स थी वो काफ़ी अच्छी फ्रेंड थी ऐश की, और दोनों तरफ से ही भाई हमको कुछ भी ऐसा हिंट देखने नहीं मिला था, तो अलोलन में तो भाई ना ऐश को कोई पोके गर्ल ऐसे पसंद नहीं करती थी और ना ऐश किसी को करता था ऑब्वियसली, तो हाँ अलोलन में तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हाँ मिस्टी के बहुत ज़्यादा चांसेस है, बट कंक्लूजन पे जाने से पहले हम सरीना के बारे में बात कर लेते हैं। अब सरीना और ऐश का बॉन्ड बहुत ज़्यादा अच्छा है, सरीना हमेशा ऐश को जिम बैटल्स या फिर पोकेमॉन लीग में सपोर्ट करती थी। अब बाकी सारे पोकेगर्ल्स के कुछ ऐसे मूवमेंट्स हैं जहाँ से प्रूफ होता है कि वो ऐश को लाइक करते हैं जो कि मैंने बताए हैं, बट सरीना का ऐसा कोई पर्टिकुलर मूवमेंट नहीं था, हमें ऑलमोस्ट हर एक एपिसोड में ऐसा कोई मूवमेंट देखने को मिल जाता था, यानी कि ये बहुत ज़्यादा ऑब्वियस था किसी और पोकेगर्ल के मुकाबले कि सरीना ऐश को लाइक करती थी, और हमें पूरे एक्स वाई या फिर एक्स वाई जी सीरीज में बहुत सारे मूवमेंट्स देखने को मिले थे। और इन सब की शुरुआत तब होती है जब सरीना और ऐश समर कैंप में मिलते हैं बचपन में, जहाँ पे सरीना पॉलीबैग पोकेमॉन से डर के गिर जाती है एंड उसको चोट भी लग जाती है, बट वहाँ पे ऐश होता है जो कि उसकी हेल्प करता है और उस घने जंगल से बाहर भी निकाल देता है, और तभी से सरीना ऐश को बहुत ज्यादा लाइक करने लगी थी। और फिर हमें इनका एक परफेक्ट एंड भी देखने को मिलता है गुड बाय कैलोस नाम के एपिसोड में, जहाँ पे सरीना लास्ट बार दिखाई गई थी एंड इस एपिसोड में सरीना ऐश को किस भी कर लेती है, और इतने हिंट्स तो किसी भी पोकेगर्ल के बारे में नहीं है, तो हाँ सरीना ऐश को किसी भी पोकेगर्ल से ज्यादा लाइक करती है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दो ही पोकेगर्ल है जो कि ऐश की ट्रू लव हो सकती है, सबसे पहली है मिस्टी एंड सेकंड है सरीना, क्योंकि बाकी सारे पोकेगर्ल्स के मुकाबले इन दोनों पोकेगर्ल्स के सबसे ज्यादा सीन्स हैं। तो अब फाइनली फाइनल आंसर पे आते हैं एंड आप इसको मेरा ओपिनियन भी कह सकते हो एंड इससे हर्ट होने की जरूरत नहीं है, तो मेरे अकॉर्डिंग ऐश की ट्रू लव हो सकती है सरीना, क्योंकि भले ही ऐश और मिस्टी का रिलेटेड किन बिल्कुल ऑफिशियल था बट वहीं पे पोकेमॉन एनीमे एंड होने वाला था एंड इसी वजह से पोकेमॉन क्रिएटर्स ने ये एंडिंग देने का सोचा था, क्योंकि तभी और कोई पोकेगर्ल नहीं थी, पर बाद में पोकेमॉन एनीमे की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा हो गई जिस वजह से इसको कंटिन्यू किया गया और हमें और भी पोकेगर्ल्स दिखाए गए, जैसे कि सरीना जो कि ऐश को मिस्ट्री से भी ज्यादा लाइक करती थी। तो हाँ ये सिर्फ और सिर्फ पोकेमॉन को एंड करने का प्लान था, और अब मुझे नहीं लगता कि ऐसा होने वाला है क्योंकि पोकेमॉन एनीमे में काफी सारी पोकेगर्ल्स आ चुकी हैं, और इवन पोकेमॉन के स्टोरी बोर्ड डायरेक्टर ने गुड बाय कैलोस एपिसोड रिलीज होने के बाद काफी सारी चीजें रिवील की थी, जहाँ पे उन्होंने बताया था कि इस एपिसोड में हमने काफी सारी चीजें प्लान की थी, पर बाद में उन सारी चीजों को ड्रॉप कर दिया गया था, और उन्होंने एक और स्टेटमेंट दिया था जहाँ पे उन्होंने बताया था कि हम ये मान सकते हैं कि ऐश और सरीना आगे जाके कपल बन सकते हैं, और ये स्टेटमेंट बिल्कुल ऑफिशियल था। तो हाँ इसी से प्रूफ हो जाता है कि ऐश की ट्रू लव सरीना है। तो बस गाइस आज के लिए बस इतना ही था, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को इनेबल कर देना, एंड हाँ दोबारा मिलेंगे एक और ऐसे ऑसम वीडियो के साथ, अंटिल देन पीस आउट।